वो उंगली चली गई। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग को यहाँ पर लेना है, तो बिल्डिंग यहाँ पर बिल्डिंग ए हो गई, ये बिल्डिंग है आपकी, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर है, ये 20 मीटर हाइट ये बिल्डिंग की हो गई, 20 मीटर हाइट। और इसके ऊपर आपका लगा हुआ है ट्रांसमिशन मीटर, ट्रांसमिशन मीटर टावर लगा हुआ है, इस पर एक टावर है, ये टावर ले लीजिए, इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं आप इसकी, ये है ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है, और इसका ये बॉटम हो गया, और यहाँ पर पॉइंट कोई हो गया आपका पी, और ए बी बिल्डिंग हो गई, और बी सी आपकी यहाँ से बी सी लेकर के सी तक ट्रांसमिशन मीटर टावर हो गई, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसके जो एंगल बन रहे हैं वो 45 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के बन रहे हैं। तो पहले किसका बन रहा है, पहले बॉटम का फिर टॉप का, पहले बॉटम का, इस पॉइंट से पहले बॉटम का एंगल बनेगा, तो ये इसका ये बॉटम आ गया, तो ये आपका बन रहा है, और फिर एक यहाँ से आपका, फिर एक आपका ये टॉप का बन रहा है, इसके इसके टॉप का बनेगा, पॉइंट वही है, पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट पर बन रहा है, सेम पॉइंट है, तो इस पर ये बन गया। तो पहले बना 45 का, पहले बना ये एंगल 45 का, और फिर बन रहा है आपका 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो इसमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। पहले हम OPS मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम करते हैं, और चैप्टर 9 क्लास 10th NCERT न्यू सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 5th इसमें हम आप करने जा रहे हैं। तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली, और इस फिगर में उन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछी है, तो इस टावर की हाइट को हम अपनी तरफ से इसे स्मॉल एच ले लेंगे, तो ये हमने स्मॉल एच ले लिया, तो यहाँ तक आपका ये स्मॉल एच हो गया, यहाँ तक ये स्मॉल एच हो गया यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो टोटल हाइट हम देखेंगे, तो टोटल हाइट इसकी, टोटल हाइट इसकी हो जाएगी 20 प्लस एच, ये 20 प्लस एच इसकी टोटल हाइट हो जाएगी। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन किस तरीके से देंगे, आप यहाँ पर देखिए, ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और हमने बी सी को क्या लेट कर लिया है, स्मॉल एच मीटर, ये क्या है बोलो, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, इसको हमने क्या ले लिया है बोलो, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टी का मतलब ट्रांसमिशन टावर है, और ए ले लिया, तो अब हमने बी सी को एच ले लिया, ए बी इज गिवन 20 मीटर, टोटल हाइट ए सी विल बी 20 प्लस एच मीटर, अब हमारा जो बेस बचा है इसको हम एक्स मीटर ले सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर एक्स ले लिया, तो यहाँ पर हमने क्या लेट कर लिया, लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स मीटर। ये एक्सप्लेनेशन आप देना चाहो तो दे दो, समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप रिवीजन रिवाइज करोगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि एक किसको क्या लेट किया है और कहाँ से ये चीज़ आई है। तो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बी ए पी, तो सबसे पहले हम
कंसीडर करेंगे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बी ए पी। तो इसमें हमने एंगल 45 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्यों? परपेंडिकुलर गिवन है और हम इसके साथ बेस ले लेंगे, तो हमने लगा देना है परपेंडिकुलर। ए बी है ए और बेस यहाँ पर ए पी है। एंगल थीटा, थीटा एंगल कितना है? 45 डिग्री। थीटा एंगल 45 डिग्री है, थीटा एंगल 45 डिग्री है, तो टेन 45 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ए बी इज 20 मीटर, ए डी इज एक्स, टेन 45 की वैल्यू 120 अपॉन एक्स, यहाँ पर 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स का 1 से एक्स, 1 का 20 से 20, एक्स इक्वल टू 20, कॉल्ड इट इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे सी ए पी। जब हम ट्रायंगल सी ए पी लेंगे तो सी ए पी आपका सी ए पी इस तरीके से बन रहा है आपका, ये सी ए पी है, सी ए पी, ए तो एक्स है और वो सी ए टोटल कितना बन गया था? 20 प्लस एच। 20 प्लस एच क्यों बना था? क्यों? एच इसकी ट्रांसमिशन टावर की हाइट को एच ले लिया था, बिल्डिंग 20 थी, तो टोटल बन गया था 20 प्लस एच। वैसे हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए ये ट्रायंगल ले लिया, आप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत है हमें। तो अब हम यहाँ पर फिर से लगाएंगे टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया ए सी, बेस हो गया ए पी, तो यहाँ पर टेन 60 कितना होता है? रूट 3। ए सी कितना आ गया? 20 प्लस एच, और ए पी क्या है? ए पी एक्स है, ए पी एक्स है, तो एक्स। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 ले सकते हो, एक्स का रूट 3 से होगा तो रूट 3x, और 1 का होगा तो 20 प्लस एच एज इट इज आ जाएगा, कॉल्ड इट इक्वेशन सेकेंड। हमने इसको इक्वेशन सेकेंड दे दिया। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, तो एक्स की वैल्यू 20 यहाँ पर पुट कर देंगे, एक्स 20 है तो यहाँ पर 20 पुट कर दो, तो रूट 3, तो यहाँ पर 20 रूट 3 लिख दो, 20 पहले लिख दो, रूट 3 बाद में लिख दो, 20 प्लस एच। अब हमें एच निकालनी है, 20 को ट्रांसफ़र करो, 20 रूट 3, ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, इसको इंटू 1 ले सकते हैं। अब हम यहाँ से रूट 3 कॉमन ले लेंगे, नहीं 20 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो 20 कॉमन लेंगे तो रूट 3 माइनस 1, ये आपका h आ गया, तो h इज इक्वल टू आपका h इज इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 1, यूनिट जरूर लिखें मीटर, ये आपका हाइट आ गई, ये हाइट आपकी ट्रांसमिशन मीटर की टावर की हाइट आ गई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ लिख दीजिए आंसर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो देखिए और समझ में आ जाएगा, फिर इसे 2 बार लिख करके रिटर्न में करिए। अब हम आगे क्वेश्चन 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, स्टैच्यू की हाइट है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, एक पेडिस्टल है उसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, स्टैचू के टॉप का 60 डिग्री है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो यहाँ पर ग्राउंड पर इसके बॉटम का एलिवेशन एंगल और बॉटम का बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पर इसका
एक पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल को हमने ए बी नाम दे दिया, और पेडिस्टल की हाइट अननोन है, स्मॉल एच ले लिया। इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसको हमने बी सी दे दिया, लेकिन इस स्टैचू की जो हाइट है वो हाइट 1.6 मीटर है। तो टोटल हाइट स्टैचू और पेडिस्टल की मिलकर के 1.6 प्लस एच हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि इसके जो टॉप के साथ एंगल बन रहा है, टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। किसका टॉप? टॉप हम लेंगे स्टैचू का जो टॉप है, स्टैचू का जो टॉप है और ग्राउंड का जो बॉटम पॉइंट है, इसको पी ले लिया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। फिर उन्होंने कहा है कि स्टैचू का बॉटम लीजिए, तो बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है, बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका यहाँ पर 45 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। ये एक ही पॉइंट पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर ये 45 का है, इतना ये 45 का है, ये इतना 60 डिग्री का है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। इस हाइट को हमने एक्स ले लेना है, इसको हमने एक्स ले लिया, इस हाइट को हमने एक्स ले लिया। अब हम आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दो। ए बी इज इक्वल टू लेट ए बी इज इक्वल टू एच, ए बी इज इक्वल टू एच, ए हाइट ऑफ पेडिस्टल ले लिया हमने, हाइट ऑफ पेडिस्टल की हाइट ले ली। और बी सी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ये आपको दी है हाइट। किसकी हाइट दी हुई है? ये हाइट ऑफ स्टैचू, इसको हमने एपी को एक्स मीटर लेट कर लिया। अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एना ट्रायंगल बी ए पी, इसमें हाइट निकालनी है स्टैचू की, परपेंडिकुलर का काम करेगी। ये बेस है, एक्स ले लिया, तो हम यहाँ पर टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बात करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो टेन थीटा कितना है एंगल? 45 डिग्री, जो एंगल है ये 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है और बेस कितना है? ए पी है, तो परपेंडिकुलर यहाँ एच है, ये एक्स है, टेन 45 बन होता है, एच अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का बन से होगा एक्स, और बन का एच से एच, एक्स इज इक्वल टू एच। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेडिस्टल की हाइट है वही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड पेडिस्टल आएगा, दोनों इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 5। अब हमने एना ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं सी ए पी, सी ए पी ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर सी ए पी ये पूरा ट्रायंगल, सी ए पी ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। अब हम इसमें लगा देंगे टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर पूरा ए सी आ गया। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल हम यहाँ बनाए लेते हैं, ये यहाँ पर ए है, ये यहाँ पर सी है, ये यहाँ पर पी है, ये पूरी हाइट इसकी कितनी हो गई? 1.6 प्लस एच, तो यहाँ पर ये हमारा एक्स था, तो ए सी अपॉन ए पी आ जाएगा। एंगल यहाँ पर हमारा कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टेन 60 डिग्री, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ए सी, पूरा ए सी कितना बन गया? ए सी हमारा 1.6 प्लस एच और ए पी एक्स है, तो टेन 60 कितना है? रूट थ्री 1.6 प्लस एच, और यहाँ पर हमारा एक्स है, तो एक्स की जगह हम एच ले सकते हैं, एक्स की जगह हम एच ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो एक्स की जगह हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एच बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, तो रूट थ्री एच, 1060 की वैल्यू रूट थ्री रख दी, ए पी ए सी की वैल्यू 1.6 प्लस एच, ए पी एक्स था,
1.6 प्लस एच, यहाँ पर एच आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री एच, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 प्लस एच, एच इंटू एच को इधर ट्रांसफ़र करिए, एच को इधर ट्रांसफ़र करिए, तो ये माइनस हो गया, ये आपका 1.6, एच यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये आ गया रूट थ्री, यहाँ से एच कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, 1 तो सबका मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 1 ले सकते हैं, 1.6, तो एच इज इक्वल टू आपका आ गया 1.6 रूट थ्री माइनस 1। अब हम इसको रैशनलाइजिंग कर देंगे, यहाँ पर इसे हम रैशनलाइजिंग कर देंगे, तो एच इज इक्वल टू 1.6 एज इट इज, डिनोमिनेटर रूट थ्री माइनस 1 था, रैशनलाइजिंग कर देंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस 1 का और नीचे भी मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस 1 का हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम रैशनलाइजिंग करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, रूट थ्री माइनस 1 है ना, तो इसको रूट थ्री प्लस 1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h इज इक्वल टू 1.6 एज इट इज आ जाएगा इंटू रूट थ्री प्लस 1, और यहाँ पर a माइनस b, a प्लस b, इसका फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट थ्री स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ली आपने यहाँ पर, a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमने आपको समझाया है, तो ये h इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट रूट थ्री प्लस 1, और रूट थ्री का स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस 1 अपॉन 2। अब हम इसको 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, जिसे हम 0.8 भी कह सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0.8 इन ब्रैकेट रूट थ्री प्लस 1, ये आपकी हाइट आ गई, हाइट ऑफ पैड स्टल, ये हाइट पैड स्टल की आ गई, और ये आपका फाइनल आंसर हुआ। पैड स्टल क्या था, ये पैड स्टल था ए बी, इसकी हाइट को एच लिया था, वो एच अभी हमने निकाल लिया, और ये 1.6 स्टैचू की हाइट दी थी, तो हमने इस फिगर की हेल्प से, पहले हमने ट्रायंगल लिया था बी ए पी, बी ए पी में हमने एच इक्वल टू एक्स निकाल दिया, फिर हमने लिया था पूरा सी ए पी ट्रायंगल, तो हमने सी ए पी यहाँ पर बना लिया था समझने के लिए, तो सी ए पी में हमने फॉर्मूला लगाया टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, फिर हमने यहाँ से एच कैलकुलेट कर लिया, इसको हमने फिर यहाँ से एच कैलकुलेट हो गया था, फिर हमने यहाँ पर रैशनलाइजिंग कर दिया, रैशनलाइजिंग करने के बाद एच आ गया, और ये एच को हमने क्या लिया था, स्मॉल एच को हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।